न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में 18 रन से हारने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई है। कम स्कोर वाले मैच में कड़ी टक्कर देने वाली टीम इंडिया की हार के बाद एक बार फिर से खराब अंपायरिंग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अंपायरिंग सवालों के घेरे में रही, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भी कथित रूप से खराब अंपायरिंग का नजारा देखने को मिला, जो शायद टीम इंडिया के लिए महंगा साबित हुआ। दरअसल रविंद्र जडेजा की आकर्षक पारी के बावजूद भारत को शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण विश्व कप सेमीफाइनल में बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका क्रिकेट महाकुंभ से सफर भी समाप्त हो गया। मैच के बाद MS धोनी के रन आउट होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भारत को आखिरी दो ओवरों में 31 रन चाहिए थे। धोनी ने फर्ग्यूसन की पहली गेंद छक्के के लिए भेजी, लेकिन तेजी से दो रन चुराने के प्रयास में मार्टिन गुप्टिल के सीधे थ्रो पर रन आउट हो गए। विकेटों के बीच सबसे बेहतरीन दौड़ के लिए मशहूर धोनी अपने करियर के शुरू में ही रन आउट हुए थे। इसके बाद भारतीय पारी सिमटने में देर नहीं लगी। हालांकि जिस गेंद पर धोनी रन आउट हुए, उससे पहले टीवी पर न्यूजीलैंड की फील्डिंग का ग्राफिक दिखाया गया, जिसमें 6 खिलाड़ी 30 गज के घेरे से बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ICC नियमों के मुताबिक तीसरे पावर प्ले में 5 से ज्यादा फील्डर 30 गज के घेरे से बाहर नहीं होने चाहिए, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाए गए लाइव ग्राफिक के मुताबिक 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अंपायर्स को नो बॉल देना चाहिए था। हालांकि ये अभी कहा जा सकता है कि नो बॉल पर खिलाड़ी रन आउट हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मार्टिन गुप्टिल 30 गज के घेरे के अंदर होते तो धोनी एक ही रन लेते। फिलहाल इस पर ट्विटर पर फैंस तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इससे पहले भारत के सामने 240 रन का लक्ष्य था, लेकिन शीर्ष क्रम भी बुरी तरह से लड़खड़ा गया। लेकिन जडेजा 59 गेंदों पर 74 और महेंद्र सिंह धोनी ने 72 गेंदों पर 50 सातवें विकेट के लिए 116 रन जोड़कर मैच को आखिर तक जीवित बनाए रखा, लेकिन धोनी के जाने के बाद सारा खेल ही बदल गया। भारत ने दबाव में आखिरी 4 विकेट 13 रन के अंतर गंवा दिया और इस तरह से न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। भारतीय टीम 49.3 ओवर में 221 रन पर ही सिमट गई। बहुत खेद के साथ बोलना पड़ रहा है, पर ये सच है। LD न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।